तेरे मेरे बीच में जो राज था वो राज ही रहेगा। अरे माही, तू कब आई? कैसी है आज? कितनी सारी बातें करेंगे, इतनी बदल गई यार। और जीजा जी किधर है? वो क्यों नहीं आए तेरे साथ में? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोलना। मैं सफर करके आई हूँ ना, तो थक गई हूँ, और उन्हें काम था ना, तो वो बाद में आएंगे। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मैं थक गई हूँ ना। खुद से ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। माही, क्या कर रहे हो? और ये क्या पहन के रखा है? मंगलसूत्र भी नहीं पहना और तो सिंदूर भी नहीं लगाया। शादी के बाद ऐसे क्यों रह रहे हो? लगता है डर तू छोड़ ना जा। माही, तू मुझे कब से इग्नोर कर रही है? मैं कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही है? और चीजू कहाँ है? यार अनीता, तू मेरी दोस्त है ना, तो तू बार बार मंगलसूत्र, सिंदूर, चीजू, तू मुझसे बात करने आई है तो मेरी बात करना। मैं नहीं करना चाहती यार ये सब बात। और तुझे दिख रहा है ना, मैं काम कर रही हूँ, मैं थकी हुई हूँ। तू एक काम कर, तू अभी चली जा। क्या हुआ? मुझे अब तुझसे कोई बात नहीं करनी, तू जा ना। सुनिए, अपना जहां सबसे जुदा हम बनाएंगे। सुनिए, कोई है क्या? दुनिया से लाएंगे। क्या हुआ? तुम यहाँ? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम मुझे पहले से जानते हो। अरे हाँ, वो उस दिन मैं वहां तुम्हें। क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना कि मेरे घर से कहा गया था कि आपके घर से दूध लेना है। हाँ हाँ। परछाई से दूर कैसे जाऊंगी, तुझ में बसी हूँ मैं, तुझ में खो जाऊंगी। तुम वही लड़के हो ना जो शहर से आया है? जी हाँ, मैं वही हूँ। तुझे करते हैं प्यार। सुन सोनिया, सुन दिलदार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। तू ही खुदा, तू मेरा संसार, खुद से ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। हाय। तुम क्या हमेशा मुझ पे नजर रखते हो? अरे नहीं यार,
ऐसा नहीं है। घर की तरफ जा रहे हो? हाँ घर की तरफ जा रहा हूँ। चलो। से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। हमारे गांव में जो अफवाह फैली है ना, शहर से लड़का आया, यही है। वैसे तुम करते क्या हो? वो अभी तो मैं शहर में पढ़ाई कर रहा हूँ, पर जल्दी मेरी नौकरी लगने वाली है। वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े घर होते होंगे। अरे नहीं यार, मुझे तो ये गांव ही पसंद आया, और यहाँ के लोग भी। यहाँ भी पहुंच गए? हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम इस वक्त अपने खेतों में आया करती हो। अच्छा, तो मैंने सही कहा था ना कि तुम मुझ पे नजर रख रहे हो। अरे नहीं नहीं, आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आया हूँ। मेरे लिए? अच्छा, वैसे क्या लेकर आए हो देना? पहले आंखें बंद करो। मुझ पे एतबार, रब से भी ज्यादा तुझे। ये देखो। अरे गन्ना, मुझे तो लगा तुम मुंबई से आए हो, तो कुछ पैसे वाली चीजों से मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, पर तुम तो वैसे नहीं निकले। वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सबके जैसा नहीं हूँ। आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो ना। देखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और तुम भी मुझे प्यार करती हो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये तुम कैसे बोल सकते हो? मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। मैं चाहता हूँ कि हम शहर चले जाएं, और थोड़े टाइम बाद हम शादी कर लेंगे, और वैसे भी मेरी नौकरी लगने वाली है, मैंने तुम्हें बताया था। इतना दूर सबको छोड़ के? सबको छोड़ कर नहीं, हम सभी को बता कर जाएंगे, और फिर हम आते जाते रहेंगे ना। मैं अपनी दोस्त को भी बताऊंगी। तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। दिल की है धड़कन, आंखों का दीदार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। अरे माही, तू पेट से है? तूने ये बात बताया क्यों नहीं? माही, तेरी नसीब कितनी अच्छी है, तुझे इतना प्यार करने वाले पति मिले, और वो तुझे शहर लेके गए, वो तुझसे इतना प्यार करते हैं, और देख तू माँ बन गई। है तू सांसों में, आँखों में मेरे यार, खुद से ज्यादा तुझे करते हूँ। किसे खुश नसीब कह रही है? ऐसी बदनसीबी रंग किसी औरत को ना मिले। ना तो मैं विधवा हूँ, ना ही मैं सुहागन। मैं एक ऐसे आदमी के नाम से जी रही हूँ जिसका मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसा नसीब किसको चाहिए? मैंने एक ऐसे आदमी से प्यार किया, उसने मुझे सपने तो बहुत दिखाए, पर वहाँ दूर शहर में उसने मुझे 20 रास्ते में छोड़ दिया। उसने मुझसे शादी तक नहीं की, और मैं पेट से हो गई। तो कर मुझ पे एतबार, रब से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। अरे यार, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तू समझ रहा है, वो प्रेग्नेंट है। अरे मैं उसे कहाँ लेकर जाऊँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार। एक काम कर, उसे तो छोड़ दे, यही अच्छा होगा तेरे लिए। हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रहे है, मैं भी वही सोच रहा था। और वैसे भी वो मुझे कहाँ ढूंढती फिरेगी, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। मेरी पलकों पे है तेरा इज़हार, खुद से ज़्यादा। ऐसा नसीब किसको चाहिए बता?
ऐसे मैं क्यों रहती हूँ? ना मैं मंगलसूत्र पहनती हूँ, ना सिंदूर लगाती हूँ, ना सुहागन में हूँ, ना विधवा में। ये लोग मुझ पे उंगली ना उठाए, कहीं मुझे बच्चलन ना कहे, कहीं मेरे बच्चे को दूसरा नाम ना दे दे, इसीलिए ऐसे रहती हूँ। मेरा कोई नहीं रहा,